डी के एम्बुलेंस में शराब बिकता है छपड़े में, और जो लोग शराब बेचते हैं वो राजीव प्रताप रूढ़ी के आदमी हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि गुजरात में ड्रा है, कुछ नहीं होता गुजरात। आप देखिए, आप जरा इसको आप जरा देख लीजिए, आप चिंता ना करिए कि ये कौन लोग हैं, ये शराब में 70 लोग 60 लोग कहाँ मरे हैं। नीति बनाने में, प्रिंसिपल बनाने में बीजेपी नहीं था, शराब पीने में और बेचने में बीजेपी नहीं है। ठीक है, एक सर्वदलीय बैठक बुला लेना चाहिए, समीक्षा तो होती रहती है, लोकसभा विधानसभा में कानून बनता है फिर समीक्षा भी होती है। तो यदि नीतीश कुमार ने प्रयास तो सही किया, गलत तो किया नहीं, लेकिन यदि लग रहा है कि चीजें हम हाथ से बाहर जा रही है, जहरीली शराब में कौन लोग हैं, शराब कौन बेचते हैं, इसमें राजीव प्रताप रूढ़ी जी के एम्बुलेंस पे शराब बिकता था, इसके पहले राजीव प्रताप रूढ़ी 3-3 बार लोग मरे हैं गाय छपड़ा। रूढ़ी के एम्बुलेंस में शराब बिकता है छपड़े में, और जो लोग शराब बेचते हैं वो राजीव प्रताप रूढ़ी के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं। 3 बार इससे पहले हो चुका है, और राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि गुजरात में ड्रा है, कुछ नहीं होता गुजरात। आप देखिए, आप जरा देख लीजिए, आप चिंता ना करिए कि ये कौन लोग हैं, ये शराब में 70 लोग 60 लोग कहाँ मरे हैं, आप हमको जरा सा उसका जवाब दे दी। ये कहाँ, ये गुजरात में नहीं मरे हैं 60 लोग, ये गुजरात में 60 लोग मरे हैं कि नहीं 1 महीना पहले शराब में? नहीं, सब है तो पूरा भास्कर पूरा हम एक ठोका दिखा रहे हैं, अब वो कह रहा है मरबे ने किया है, झूठा बेमान। शराब में नीति बनाने में, प्रिंसिपल बनाने में बीजेपी नहीं था, शराब पीने में और बेचने में बीजेपी नहीं है। ठीक है, एक सर्वदलीय बैठक बुला लेना चाहिए, समीक्षा तो होती रहती है, लोकसभा विधानसभा में कानून बनता है फिर समीक्षा भी होती है। तो यदि नीतीश कुमार ने प्रयास तो सही किया, गलत तो किया नहीं, लेकिन यदि लग रहा है कि चीजें हम हाथ से बाहर जा रही है, जहरीली शराब में कौन लोग हैं, शराब कौन बेचते हैं, इसमें राजीव प्रताप रूढ़ी जी के एम्बुलेंस पे शराब बिकता था, इसके पहले राजीव प्रताप रूढ़ी 3-3 बार लोग मरे हैं गाय छपड़ा, आज तक छपड़ा गए है, हर चीजों में राजनीति। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि शराब बंदी से बिहार में समाज सुधार होगा। भैया मैं एक बात बता दूं, मैं पर्सनली कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी को एक बार सर्वदलीय बैठक और जन लेना चाहिए। जहां तक सुधार की बात है, गांव में कुछ असर तो पड़ा है, लेकिन यूथ बर्बाद हो गया, ड्रग्स कोरेक्स स्मैक्स वाटनर और सोल्यूशन ये यूथ के हाथ में जा चुका है, यूथ की बर्बादी हुई है। गांव में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, लेकिन बिहार के आम आदमी के जेब से 6 गुना पैसा सारा पीने में जा रहे हैं, ये दिक्कत है। लोकसभा में राजीव प्रताप रूढ़ी काफी दुखी थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो ये मुद्दा उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र में ये घटना हो गया है तो हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। याद कीजिए एम्बुलेंस मामला क्या हुआ, अभी तक क्लियर हुआ, कोई जांच हुई नहीं हुई, और उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बिहार से नहीं दिल्ली से, जान रहे थे कि दिल्ली वाला तो सवाल पूछता नहीं है, लेकिन हम बिहार वाला हम तो सवाल पूछेंगे। हम मेरा सवाल यह है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी छपड़ा में इससे पहले भी शराबबंदी से जान गई थी, आपने उस पर मामला पूछा, उसके अलावा जब एम्बुलेंस में दारू और बालू बेचा जा रहा था तब आपने क्यों नहीं बोला, और ये पूरी बात है। आज जब ये सवाल हमने पप्पू यादव से कहा कि लोकसभा में राजीव प्रताप रूढ़ी ने ये सवाल उठाया है कि जहरीली शराब का मुद्दा, पप्पू यादव क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, और हम आपको एक चीज और सुनाना चाहते हैं कि पप्पू यादव वही आदमी है जो एम्बुलेंस जो छुपा करके रखा गया था कोरोना काल में, उस काल में जहां
लाखों लोगों की मौत हो गई थी और वो एम्बुलेंस जो है नई नई दुल्हन की तरह सजा करके रखा गया था, तरपाल से ढक करके रखा गया था और इससे पहले भी छपरा में मौत हुई, लेकिन उस मामले पर अब वो सवाल नहीं उठाए थे। अब उनके अंतर आत्मा जगी है और सुबह नहा धोवा करके और ऑमलेट खा करके उनके मन में इच्छा हुई कि चलिए अब हम लोकसभा में सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि मरते हर समय आदमी है, ये मत देखिए कि हमारी सरकार है या विपक्ष वालों की सरकार है। अगर आप मुद्दा उठाना चाहते हैं तो वो बीजेपी में भी उठाइए, बीजेपी जेडीयू गठबंधन में भी उठाइए, आरजेडी जेडीयू गठबंधन में भी उठाइए, क्योंकि सारण के लोगों ने आपको लोकसभा इसलिए भेजा है ताकि हर एक मुद्दा उठाइए। चछन्नी से छानिए मत, चछन्नी से छानने वाले लोग गलत होते हैं, आगे से भी ध्यान रखिएगा, मुद्दा उठाइए तो किसी भी सरकार में हो आप जनहित के मुद्दे उठाते रहिए। फिलहाल सनी नाम है हमारा, जनता जंक्शन तक, जनता जंक्शन का वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।